नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कब्जा बचाने में अपना दल के साथ उसकी सहयोगी सत्तारूढ़ भाजपा की साख भी दांव पर है। प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव के शोरगुल में दो विधानसभा उपचुनाव का शोर हल्का पड़ गया है, लेकिन दोनों सीटों के नतीजे आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण होंगे। निकाय चुनाव के बाद भाजपा संगठन ने मतदान का आकलन शुरू कर दिया है। बूथवार डाटा से मेयर के साथ ही पार्षद प्रत्याशियों की हार जीत का गणित तय हो रहा है। मतदान कम होने के असर को भी देखा जा रहा है। संगठन के नेताओं का कहना है कि वोटर लिस्ट की खामियाजा जीत के अंतर के घटने के रूप में भी सामने आ सकता है। जेठ की शुरुआत शनिवार से हो गई। 9 मई को पहला बड़ा मंगल मनाया जाएगा। इस मौके पर भंडारे व मंदिर में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते सड़क पर जाम ना लगे, इसके लिए हनुमान सेतु मंदिर प्रशासन ने पार्किंग के इंतजाम की पहल की है। मंदिर प्रबंधन से जुड़े आचार्य चंद्रकांत के मुताबिक पार्किंग के लिए लविवी कुलपति से सहयोग मांगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने चारबाग के गुरु नानक मार्केट स्थित अवैध होटलों के मामले में एलडीए व नगर निगम से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। इसके बाद न्यायालय होटल संचालकों को नोटिस जारी करने पर विचार कर सकता है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने एक स्थानीय अधिवक्ता की जनहित याचिका पर अपना आदेश पारित किया है। विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह शनिवार को सायंकाल में बरही कला अधिकारी संघ पहुंचे और राज्य मार्ग 98A का निरीक्षण करते समय जगह जगह मानक से कम मिट्टी मिलने, पुरानी सड़क पर ही गिट्टी ऊपर से फैलाने समेत अनेक अनियमितता मिलने पर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता योगेंद्र सिंह तथा AE JP सिंह व रश्मि सिंह को 1 सप्ताह के अंदर सड़क को मानक व गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के साथ ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। नगर निकाय चुनाव में सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज अपने बूथों पर ही ज्यादा मतदान करने में फेल हो गए। नगर निगम हो चाहे नगर पंचायत, ये राजनीति के सूरमा अपने आसपास के वोटरों को ही बूथ तक पहुंचाने में नाकाम रहे। इनके बूथों पर कुल पोल हुए औसत वोट से भी कम संख्या में वोटर घरों से निकले। कम मतदान पर अब सभी गलत वोटर लिस्ट पर ही ठिकरा फोड़ रहे हैं, जबकि इस वोटर लिस्ट को दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के जिम्मे थी। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के नए विस्तारकों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे दिन शुक्रवार को भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने विस्तारकों को प्रशिक्षण दिया। इसमें भाजपा प्रशिक्षण वर्ग के प्रभारी जिला महामंत्री सुरेश अग्रवाल ने बताया कि प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे दिन राजस्थान की 200 विधानसभाओं से आए हुए सभी विस्तारकों को प्रशिक्षण दिया गया। पंजाब की बासमती अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना खोया प्रभुत्व फिर से हासिल करेगी। इसकी महक विदेशों तक पहुंचेगी। कृषि विभाग ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत अमृतसर के चौगावा ब्लॉक में एक्सपोर्ट क्वालिटी की ऑर्गेनिक बासमती पैदा करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसके अंतर्गत पिछले वर्ष की तुलना में 73,000 हेक्टेयर रकबा बढ़ाया गया है। पिछले साल जिले में 1,08,000 हेक्टेयर भूमि पर बासमती की खेती की गई थी। उमेश पाल हत्याकांड में फरार 50,000 की नामी शाइस्ता परवीन के बारे में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शाइस्ता अपने पति अतीक अहमद व देवर अशरफ की हत्या के अगले दिन उनके जनाजे में चोरी छिपे शामिल होना चाहती थी। यहां वह अतीक के वफादार जफर उल्लाह के खुल्दाबाद स्थित घर में ठहरी थी। उसके साथ उमेश पाल हत्याकांड का ही एक अन्य आरोपी 5 लाख का इनामी साबिर भी था। हालांकि पुलिस को जब तक भनक लगती दोनों वहां से निकल गए थे। इस बात का खुलासा जफर उल्लाह के बेटे आतिम जफर ने पुलिस से पूछताछ में किया।
बिग बॉस 16 फेम अर्चना गौतम इन दिनों लगातार मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। अर्चना जल्द ही टीवी के पॉपुलर स्टंट शो खतरों के खिलाड़ी में जान की बाजी लगाती दिखाई देने वाली है। इस बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अर्चना उन चीजों के बारे में बात करती नजर आ रही है जिन चीजों से उन्हें काफी ज्यादा डर लगता है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ।